नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा भार्गव। स्वागत करती हूं आपका हमारी इस खास रिपोर्ट में। दुनिया में वैसे तो कई अनोखी चीज़ें होती हैं जो कुछ हटके होती हैं। उन्हीं में से कुछ ऐसे अनोखे रेस्टोरेंट्स हैं जो एक एयरप्लेन में बने हैं, जिनका लोग खूब लुत्फ भी उठाते हैं। भारत में ऐसे 4 रेस्टोरेंट एयरप्लेन हैं जो लोगों को एयरप्लेन में होने का एहसास दिलाते हैं। क्या कुछ खास है इन रेस्टोरेंट्स में, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। भारत का पहला एरोप्लेन रेस्टोरेंट हवाई अड्डा। 4 ट्रक में लाद कर लुधियाना लाया गया था एरोप्लेन। हवाई अड्डे में बनी है बेकरी और कैफे। अगर आप हवाई जहाज का महंगा खाना नहीं खा सकते और उसके खर्च को उठाने के लिए आपकी जेब गवाही नहीं दे रही, तो आप भारत में बने हवाई रेस्टोरेंट्स का मजा ले सकते हैं। बता दें कि भारत का पहला हवाई रेस्टोरेंट लुधियाना में खुला था, जिसका नाम था हवाई अड्डा, जो कि 4 ट्रकों में लाद कर ले जाया जा रहा था। इस रेस्टोरेंट को एयरबस 320 प्लेन से तैयार किया गया था। इसके बाद इंजीनियर्स ने इसे रेस्टोरेंट में तब्दील किया था। रेस्टोरेंट ने लुधियाना को देश का एकलौता ऐसा शहर बना दिया था जहाँ एक छूटे हुए एयरबस के अंदर 65 सीटर फाइन डाइन की सुविधा थी। लेकिन अफसोस की बात है कि ये रेस्टोरेंट अब बंद हो गया है। हवाई जहाज का अनुभव देता देहरादून का रेस्टोरेंट। सभी कस्टमर को दिया जाता है बोर्डिंग पास। बच्चे ले सकते हैं गेम्स का मजा। उत्तराखंड का पहला हवाई जहाज रेस्टोरेंट एरोडाइन है, जो कि लोगों को किसी हवाई जहाज से कम अनुभव नहीं देते। ये हवाई जहाज 180 सीटर एयरबस A320 है। इसे खुला बनाने के लिए रेस्टोरेंट में बैठने की क्षमता 75 तक की गई है। वही जहाज के एक पंख पर ओपन एयर में 12 लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि इस हवाई जहाज में सभी कस्टमर्स को एक बोर्डिंग पास भी दिया जाता है। साथ ही साथ जहाज के कॉकपिट में बच्चों के लिए स्पेशल खेलने की जगह बनाई गई है, जहां वो आराम से डिजिटल एरो गेम्स का मजा ले सकेंगे। कुछ खास है वडोदरा का हवाई रेस्टोरेंट। हवाई रेस्टोरेंट में लगे हैं फ्लाइट की तरह सेंसर्स। प्लेन के टेक ऑफ होने जैसा होता है वाइब्रेशन। वहीं वडोदरा में भी लोगों को रेस्टोरेंट का मजा मिल रहा है, जिसे एक स्ट्रैप विमान पर तैयार किया गया है। यह अनोखा रेस्टोरेंट वडोदरा शहर के तरसाली बाईपास में बनाया गया है। रेस्टोरेंट के मालिक एमडी मुखी ने बताया कि उन्होंने बेंगलुरु की एक कंपनी से 1.40 करोड़ रुपए में एयरबस 320 स्ट्रैप विमान खरीदा था। विमान के कुछ पार्ट्स अलग कर वडोदरा लाए गए थे और फिर इसे रेस्टोरेंट का लुक देने में करीब 60 से 65 लाख रुपए का अतिरिक्त खर्च आया, जिससे अब इसकी कीमत 2 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। यहां फ्लाइट की तरह ही वेटर को बुलाने के लिए सभी सेंसर्स विमान के अंदर लगाए गए हैं। साथ ही वेटर और सर्वर एयर हॉस्टेस और स्टीवर्ड की तरह दिखते हैं। इसके चलते लोगों को हवाई अड्डे पर और विमान में बैठने जैसा अनुभव मिलता है। रेस्टोरेंट में पंजाबी, चीनी, कॉन्टिनेंटल, इटालियन, थाई और मैक्सिकन व्यंजनों का लुत्फ उठाया जा सकता है। साथ ही प्लेन के टेक ऑफ होने जैसा वाइब्रेशन भी होता है। वाइब्रेशन से पहले क्रू मेंबर्स की तरह अनाउंसमेंट भी की जाती है। हमारी इस खास रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।